हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5.2 दा हेठ लिखी सूचना नूं दर्शाउण वाला एक पाई चार्ट बनाओ। जिहड़ी पहली आपां नीचे सूचना दे रखी है आपां नूं पाई चार्ट दा बनाउणा है। सूचना केड़ी है? एक सारणी दित्ती हुई है, उहदे विच कुछ व्यक्तियों कुछ रंग पसंद करते हैं। रंग पहला इत्थे लिखा है, इत्थे लिखा है जी रंग, इधरले पासे लिखा है व्यक्तियों की संख्या। सब तो पहले नंबर से की लिखा है अपने कोले, रंग लिखा है नीला रंग। ते इस रंग नूं किन्ने व्यक्ति करते हैं जी पसंद? 18 व्यक्ति। जिहड़ा रंग हरा है उहनूं किन्ने पसंद करते हैं? 9 व्यक्ति। लाल नूं 6, पीले नूं की है 3 व्यक्ति। सारे किन्ने व्यक्ति ने? 36। ठीक है जी, तो हुण पहला इहदा इक पाई चार्ट आपां ने ड्रॉ करना है। देखो जी, पाई चार्ट सब तो पहला पाई चार्ट लई आपां नूं की चाहिए ने? केंद्री कौन चाहिए ने? ठीक है जी, हुण देखो टोटल कितने व्यक्ति ने? 36 ने। मतलब कि जिहड़ा अपना चक्कर होगा पूरा, जिहड़ा आपां चक्कर ड्रॉ करांगे उह 36 बंदिआं नूं शो करूगा। ठीक है ना जी, जिहड़ा आपां चक्कर ड्रॉ करांगे उह 36 बंदिआं नूं शो करूगा कि 36 परसन ने। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਨਿਕਾਲਨੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ। केंद्रीय कोण किवें कढ़दे हुंदे आगे? देखो हुण आपां ने कोण निकालना है। जिहड़ी चीज़ आपां निकालनी हैगी तां जिहड़ी चीज़ पहलां आपां नूं दे रखी है हुण उहदे किन्ने व्यक्ति ने? 18 व्यक्ति ने। तां आपां लिखांगे जी 18 बटे, हुण इह की ने आपणे कोल इत्थे की लिखे ने आपां ने वी नीले रंग नूं किन्ने व्यक्ति पसंद करदे ने, ते कुल व्यक्ति किन्ने ने? 36 ने। उह नीचे आऊगा, गुणा करांगे जी आपां 360 डिग्री नाल, क्योंकि आपां ने की निकालना है? कोण। जिहड़ी चीज निकालनी हुंदी है उह चीज इत्थे आउंदी हुंदी है, इह ध्यान रखिओ। ठीक है जी, जिहड़ी चीज निकालनी उह चीज इत्थे आऊगी। हुण 36 दे विच्चों 18 बंदे की करदे ने? पसंद करदे ने। 36 दे विच्चों 18 बंदे, तां इत्थे की बन जाऊगा जी? 18 एकम 18, 18 दूना 36, 360 बटे 2 डिग्री आंसर आ जाऊगा। मतलब कि इहदा केंद्री कोण किन्ना आ गया जी? 180 डिग्री इहदा केंद्री कोण। ठीक है जी, उदों बाद आ गया अपने कोल हरे रंग दा केंद्री कोण। हरे रंग दा केंद्री कोण, किवें कढांगे जी? हुण इह वी आपां किन्ने व्यक्ति पसंद करदे ने? 9। किन्ने दे विच्चों? किन्ने व्यक्ति ने? 36। 360 नाल की कर दांगे आपां? गुणा कर दांगे। 36 एकम 36, 36 दा 360 किन्ना आ जाऊगा? 90। तां इहदा कोण केंद्री कोण किन्ना आ गया जी? 90 आ गया। हुण अग्गे देखो जी, इस तों बाद की आ आपणे कोल? इस तों बाद हैगा आपणे कोल लाल रंग है। लाल रंग हम कढ़ांगे जी आपां लाल रंग दा केंद्री कोण। छे बंदे पसंद करते ने, किन्ने दे विच्चों? किन्ने व्यक्ति ने? 36। 360 दे विच्चों, तां 6 एकम 6, 6 एकम 6 की 36, 6 नूं इहदे नाल भाग कर दां किन्ना आ जाऊगा जी? 60। तां लाल रंग दा केंद्री कोण किन्ना आ गया? 60। अगे हैगा जी पीला रंग। पीले रंग नूं किन्ने बंदे पसंद करदे ने? 3 व्यक्ति। पूरे लिखांगे जी आपां पीले रंग दा केंद्री कोण। किन्ने व्यक्ति ने जी? 3। 360 किन्ने व्यक्तियों विचों? 36 दे विचों 360 आ जाऊगा जी। उरे लिखांगे आपां 10 किन्ना आ गया जी? 30 डिग्री आ गया। ठीक है जी, केंद्री कोण निकल गए जी सारे बच्चों के इस तरीके नाल। अगे आप ने पाई चार्ट हूँ ड्रॉ करना है। पाई चार्ट किवें ड्रॉ करा? देखो जी, सब तो पहला आपां एक आपां ड्रॉ करते हुए आपां सर्कल ड्रॉ करा जी। गोला हाँ जी, ठीक है जी। हुण आपां इहनूं डी दी सहायता नाल आपां केंद्री कोण इहदा बनावांगे जी। डी दी हैल्प लै के आपां
जी सारे बच्चे ने अपना माइक ओ कर लो जी। तो पहला आप कोई सेंटर पॉइंट होंगे सर्कल का, वो अप्रोक्सीमेट इतने आऊगा यदा, ठीक है जी, क्योंकि इतने हम सेंटर पॉइंट अपन पता नहीं भी चलता है, ठीक है जी। तो हम आप डी आप बिल्कुल सेंटर से रखा, पहला पहला की है जी अपने को 180 का कोण है, पहला 180 का कोण ड्रॉ कर दें, ठीक है जी। इतने अपने डी रख ली, हूँ इतों तो लैके आप इतने तक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। हूँ इतों पर 180 का कोण ड्रॉ करना, 180 कितने अपने को आगा, तो इसनों आप सीधी लाइन के आप ड्रॉ कर देंगे 180 का कोण। आ लो जी हूँ जोड़ा थोड़ा केंद्रीय कोण जो उपरला आ चीज बन गई, ये किनू शो करता है, ये नीले रंग में ये थोड़ा किनू शो करूगा, नीले रंग में। फिर किन्ने का कोण है जी 90 का। तो हम अपने की करना है जी, इन आप जी अपने को डी होंगी है इन पहले आप केंद्र से रखा, इस लाइन से रखना आप जी हाले हम जी आप लाइन नवी ड्रॉ की है, नवी लाइन अपने आ ड्रॉ की है, तो हम इन आप 90 के कोण आप ड्रॉ करा जी। इन आप देखो पहले आप डी नूं आप उल्टा करता, हूँ जिथे 90 का 90 डिग्री का लगे हुआ पॉइंट इतने आप पॉइंट ला देंगे, फिर आप डी नूं आप साइड से कर देंगे जी। हूँ तुसी केंद्र तो लैके उरे तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, हो गई जी ड्रॉ, जिहड़ी अपने को फालतू बच गई उसनों आप इरेज कर देंगे। थोड़ा 90 का कोण ड्रॉ हो गया, इनू लिखा जी आप हरा रंग, हरा रंग, हरे रंग में पसंद करने वाले व्यक्तियों लिए आ चीज बन गई अपने। हूँ जी लाइन नवी ड्रॉ होगी उत्थे आप कोण बनावे 60 डिग्री का, तो हूँ यह लाइन नवी ड्रॉ हुई है, इनू पहले आप इतने रखा जी। हूँ आप प्रकार डी आप घुमावे जी इस लाइन के उपर उपर आ जाता कि अपना हाँ जी ठीक है जी। हूँ इस तो बाद 60 डिग्री का कोण ड्रॉ करना है, सॉरी 60 का अपन इधरले पासे ड्रॉ करना पेगा, इधर का अपना कोण ड्रॉ कर चुके हैं, इतने रखा जी आप डी नूं। हूँ 60 डिग्री का कोण अपने ड्रॉ करना है, 60 का पॉइंट आ सीगा तो इतने आप एक पॉइंट लगाता, तो हूँ इन आप साइड पर रख के पूरे तो एक अपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इस पॉइंट तक जिहड़ा फालतू बच गया उसनों आप रिमूव कर देंगे, तो यह थोड़ा 60 का कोण बन जूगा जी। ये किनू शो कर देगा, लाल रंग में, जिहड़ा पिछे बच गया जी वह 30 का कोण बच गया होगा, किनू शो कर दिया पीले रंग में। तो इस तरीके आपने केंद्रीय कोण ड्रॉ करना है। हाँ जी एवं दसो आ चीज जे किसी कोई डाउट हो पुछ सकते हैं जी, तुम जी लाइन नवी ड्रॉ की है ना, जी लाइन नवी बनूगी उत्थे दुबारे डी डी रख लोगे, फिर अगे ड्रॉ करी जाओ, ठीक है जी। ओके सर, सर मेरी साउंड आ रही है? हाँ जी आ रही है, थोड़ी आवाज भी आ रही है, ठीक है जी। हाँ जी अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर हम 4 देखो, इधर विच की है नाल दिता पाई चार्ट, एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा विच हिंदी अंग्रेजी गणित समाजिक विज्ञान अते समाजिक विज्ञान अते विज्ञान विच प्राप्त किए गए अंकों नूं दर्शाउंदा है, जे उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 हन तां हेठ लिखे ने हेठ लिखे जिहड़े क्वेश्चन ने उन्हां दे आपां आंसर देने, ठीक है जी। देखो जी इस दे विच की दिता होया, पहला आप ग्राफ समझ लीए चंगी तरह, हूँ यह पूरा पाई चार्ट है जी अपने को, हूँ पाई चार्ट बनया होया, इतों अपने नंबर पता करने ने, तो जिहड़ा ये कोण दिते हुए ने समाजिक विज्ञान का कोण किन्ना है जी 65 डिग्री का, विज्ञान का कोण किन्ना है 80 डिग्री का, हिंदी का कोण किन्ना है 70 डिग्री का, अंग्रेजी का कोण किन्ना है 55 डिग्री का, तो मैथ का कोण किन्ना है 90 डिग्री। तो हूँ इतों आप नंबर पता करने ने, हूँ याद रखियो जी अपने नंबर पता करने ने। हूँ इन्होंने अपन एक चीज़ हो दी हुई है जी अपने काम की, उसे कहता वो सारे किन्ने अंक ने 540 अंक ने, उसके कुल उन्हें 540 अंक प्राप्त किए ने कुलों ने विद्यार्थी ने, मतलब कि आ जिहड़ा पाई चार्ट है थोड़े को 540 अंकों शो कर रहा है, ये किन्ने अंकों शो कर रहा है 540
40 अंकां नूं शो कर रहा है। तां हुण की कह रहा है, कहिंदा उस व्यक्ति ने कहिंदा की कीता है जी, कहिंदा उसने किस विषय विच 105 अंक प्राप्त किए ने। मतलब कि आपां ने चैक करना है भी 105 अंकां नाल किहड़ा केंद्रीय गुण बनेगा, ठीक है जी। हुण तुसीं बच्चे एक चीज ध्यान नाल देखो, जदों अपने कोल 540 अंक सी, हुण देखो आपां ने की निकालना, केंद्रीय गुण पता करना है। केंद्रीय गुण 105 अंक का किहड़े विषय विच, उहदे 105 ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 105 ਅੰਕ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 90, 65, 80, 77 ਤੇ 55, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 105 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, 105 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ 105 ਅੰਕਾਂ ਲਈ, 105 ਅੰਕਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 540 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 105 ਅੰਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ 540 ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 105 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 360 ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, 360 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੀਰੋ ਨਾਲ ਜੀਰੋ ਕੱਟ ਜੂਗੀ, 18 × 18, 18 × 2 = 36, 18 × 18, 18 × 2 = 36, 18 × 2 = 54, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਹੁਣ 105 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, 3 × 3, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, 3 × 3 = 9, 10 ਚੋਂ 9 ਕਢਾਵਾਂਗੇ 1, 15 ਬਚ ਗਿਆ, 3 × 5 = 15, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 35, 35 × 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 70 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 70 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 70 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 105 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, 105 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਅੰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 105 ਅੰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹਨੇ 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਲਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 36 ਨੀਚੇ ਤੇ 9 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 540 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ 540 ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 540 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 105 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ 105 ਵਟੇ 540 ਗੁਣਾ 60 ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਆਜੂਗਾ, 70 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆਜੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਕ ਕੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਹੈ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਕ ਨਿਕਾਲਣੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੰਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਆਏ ਨੇ, ਗਣਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਣ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ 90 ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੰਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ, ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 540 ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਨੇ ਕੁੱਲ 540। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ, 360 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਕ ਆਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੁੱਲ ਅੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
इस तरीके ना ये चीज करनी है। हम इतने 90 एकम 90 90 चौका 360 या फिर तुम कह दो भी 0 0 कट गई 9 एकम 9 9 चौकी 36 हूँ कि बच गया जी 4 बज गए। हम 4 2 दे भाटे के भाग कर देंगे 2 आजगा इनको अपना 2 दे भाग कर देंगे कि 270 आजगा फिर इन 2 2 एकम 2 इतने कि 135 आजगा तो मतलब कि वो मैथ के किन्ने अंक प्राप्त हो गए 135। इस तो बाद की है जी अपने को हिंदी हिंदी चो किन्ने अंक प्राप्त किए हैं इतने लिखा जी आप हिंदी विचों प्राप्त अंक हिंदी विचों प्राप्त अंक हुण आपां नूं हिंदी का केंद्रीय कोण किन्ना दे रखिया जी आपां नूं 70 डिग्री का इहदे विचों 360 दे विचों उहदा किन्ना कोण 370 अंक पता करने तां उरे कुल अंक आणगे 540 तां हुण 0 नाल 0 कट जूगी जी 18 नूं इहदे भाग कर दांगे आपां 36 दे 18 दूना 36 18 दी आ किन्ना आ गया 54 हुण 70 नूं 2 दे भाग करांगे 2 एकम 2 35 दूना 70 35 दी आ किन्ना बण गया जी 105 बण गया उन्होंने हिंदी चो कि अंक आए थे प्राप्त 105 अंक आ गए वैसे आ चीज अपने उपर भी निकाल चुके थे भी 105 अंक कि हिंदी क्योंकि केंद्रीय गुण कि आया सीगा हिंदी का ठीक है जी। तो हम आपने की करना है जी अगे इस तो अगे हम पता कर देने क्या मैथ के किन्ने अंक वध प्राप्त हुए हैं हाँ जी किन्ने किन्ने अंक वध प्राप्त हुए हैं गणित हिंदी नालों प्राप्त ज्यादा अंक गणित हिंदी नालों प्राप्त वध अंक ता 135 अंक दे मैच हो 105 अंक दे हिंदी दे विचों ता किन्ने अंक वध प्राप्त हो गए जी 20 अंक ठीक है जी किन्ने अंक वध प्राप्त हो गए 20 अंक उन्हूं वध प्राप्त हुए ने ता यह अपना सीगा दूजे क्वेश्चन का हल। अगे देखो जी तीजा पार्ट इहदा बहुत सिंपल है कहिंदा पड़ताल करो कि समाजिक विज्ञान समाजिक विज्ञान गणित समाजिक विज्ञान से जिहड़ा की है गणित प्राप्त अंक अंकों का जोड़ मतलब कि आपने एस एस से जिहड़े इहदे अंक ने की है मैथ के अंक ने जिहड़े उन्हां दा जोड़ बनता है वह विज्ञान से हिंदी प्राप्त अंकों के जोड़ तो की है वह ज्यादा है और इहदी आपने पड़ताल करनी है। देखो इहनूं आपां एक सिंपल तरीके नाल आपां दस सकते हैं जिहदा केंद्रीय गुण वध होवे अंक भी वध होणगे जी। तां हुण देखो इस पोर्शन दे विच पहला आपां की पता करांगे समाजिक विज्ञान ते की आ अपने कोल की है गणित है इहदा केंद्रीय गुण दा जोड़ किन्ना बनदा समाजिक विज्ञान दा कोण किन्ने दा जी 65 दा मैथ दा कोण किन्ने दा बनदा 80 दा मतलब कि इहदे कोणां दा जोड़ किन्ना बन गया 65 + 80 डिग्री यह बन जूगा जी 145 डिग्री। उदो आ गया विज्ञान ते हिंदी विज्ञान का केंद्रीय कोण किन्ना बनता है सॉरी इत्थे अपने थोड़ी जी गलती होगी समाजिक विज्ञान का 65 सीगा तो जिहड़ा वह सीगा गणित का कोण किन्ना सीगा 90 डिग्री तो 90 ते 65 155 डिग्री की बन गया जी जोड़ बनता है। अगे विज्ञान से हिंदी का किन्ना बनता है विज्ञान का जोड़ किन्ना है जी विज्ञान किन्ना 80 है ते हिंदी किन्ना अपने को 55 ना हिंदी किन्ना अपने को 70 तो यह जोड़ किन्ना बन गया 150 बन गया। तो हम केंद्रीय कोणा का जोड़ किहदा वध हैगा अपने को समाजिक विज्ञान अते की है गणित का तो आप कह देंगे जी समाजिक विज्ञान अते जिहड़ा की है गणित है उहदा जिहड़ा केंद्रीय कोणा का जोड़ है वह विज्ञान ते हिंदी ते केंद्रीय कोणा दे जोड़ नालों वध है इसलिए विज्ञान अते ते विच प्राप्त किए गए अंकों का जोड़ विज्ञान अते हिंदी विच प्राप्त किए गए अंकों के जोड़ तो ज्यादा है ठीक है जी। आज सिर्फ आप केंद्रीय कोण नाल ही दस सकते हैं नहीं आपां नूं सारे अंक निकालने पैणगे समाजिक विज्ञान के अड मैथ के अड विज्ञान के अड हिंदी के अड तां करके आपां की है फिर दसांगे नहीं आपां इहनूं डायरैक्ट की है केंद्रीय कोणां नाल ही दस सकते हैं ठीक है जी। हाँ जी हुण एवें दसो किसी हाँ जी एक होस्टल विच की है वख वख भाषावां बोलण वाले विद्यार्थियों की गिनती नीचे दित्ती हुई है सवाल नंबर 5 इन्हां अंकों नूं एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाओ। हुण देखो पहला आपां नूं केंद्रीय कोण निकालने पैणगे पहला की लिखांगे जी आपां हिंदी दा केंद्रीय कोण हिंदी दा क्योंकि आपां ने की ड्रॉ करना है पाई चार्ट तां आपां नूं केंद्रीय कोण निकालने पैणगे हिंदी दा केंद्रीय कोण लो जी। हुण केंद्रीय कोण निकालना है तां गुणा किहदे नाल होऊगी 360 नाल इह गल थोड़े ध्यान च ना जी ठीक है हिंदी दे किन्ने
ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 72 72 ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਨੀਚੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 40 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 36 ਨਾਲ 36 ਦਾ 360 36 ਦੂਣਾ 72 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 20 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਗੁਣਾ 10 200 ਡਿਗਰੀ 200 ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 200 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਆਈ 12 ਉੱਤੇ 72 ਨੀਚੇ ਗੁਣਾ 360 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ 36 ਗੁਣਾ 72 ਆਈ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 10 ਹਾਂ 2 ਇੱਥੇ 5 12 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 72 ਉੱਤੇ 9 ਇੱਥੇ 360 72 ਨੀਚੇ 7 ਉੱਤੇ ਗੁਣਾ 360 36 ਗੁਣਾ 72 36 ਦਾ 360 2 1 2 2 5 10 7 5 35 ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 36 ਦੇ ਭਾਗ ਰਿਹਾ 2 ਆ ਗਿਆ 36 ਦੇ ਭਾਗ ਰਿਹਾ 10 ਆ ਗਿਆ 2 1 2 2 5 10 4 5 20 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 20 ਹਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਨਾ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ